देखो गाइस, गेस करो क्या है ये। चलो समझ भाई, पापा जगह मेरे लायक कुछ नहीं है, वॉलमार्ट जाऊं क्या? सो हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आप सबके? स्वागत है आपका अनुभव राजू व्लॉग्स में। तो देख रहे होगे मैं आजकल वीडियोस वगैरह नहीं डाल रहा, पता नहीं क्या ही कर रहा। तो सबको सॉरी मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा, अब से रेगुलर डालूंगा वीडियोस, डालूंगा क्या, पूरी कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियोस डालूँ। एक्चुअली मैं पता नहीं क्या ही कर रहा था, मैं जैसे बुरा फेज चलता है ना लाइफ में वैसा चल रहा था थोड़ा बहुत। अब थोड़ा बहुत मतलब ऐसी पर्सनली चल रहा था थोड़ा बहुत, मतलब मैक्सिमम बताऊँ क्या था, किस रीज़न की वजह से। मेरे साथ ये था कि मेरा जैसे मतलब स्लीप साइकिल ना बहुत भयंकर तरीके से बिगड़ रखी है, बहुत भयंकर तरीके से। मतलब जिस समय मुझे सोना चाहिए उस समय मैं नहीं सोता, जिस समय नहीं सोना चाहिए उस समय मैं सो जाता हूँ। अब ऐसा होता है, अब देखो जैसे मैं रात को घर आता हूँ, रात को घर आने के बाद स्टार्ट मतलब जैसे आने के बाद मतलब एक घंटे तक बहुत भयंकर नींद आते, पर जैसे वो एक घंटे निकल जाता है ना नींद बिल्कुल गायब हो जाती है। अब नींद गायब हो जाती है फिर उसके बाद मैं फ़ोन चला लेना चाहता हूँ, सोने की भी कोशिश करता हूँ बीच में, पर आती नहीं तो फिर मैं फ़ोन नहीं चलाता, सोचता हूँ टाइम वेस्ट क्या करूँ लेट के, ऐसा होता है। और उसके बाद फिर सुबह मतलब सुबह सार सोता हूँ मैं 3-4 बजे तक, फिर उसके बाद कुछ थोड़ी देर सोता हूँ, फिर कॉलेज को ले जाता हूँ, फिर कॉलेज के बीच में जैसे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है लाइब्रेरी वगैरह में जाकर सो जाता हूँ हेड डाउन करके। अब ऐसा तो लाइफ चल रही, तो मतलब ना इससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन मच रही थी। तो जैसे मैं आपको दिख रहा था कि मैं इंस्टाग्राम पे भी रेगुलर डाल रहा था, बीच में यूट्यूब पे भी रेगुलर था, पर फिर एकदम से वो इरिटेशन की वजह से ना सब कुछ मतलब हो गया। तो सोचो मैं सिर्फ कॉलेज जा रहा था और सिर्फ मतलब वो कर रहा था, सो रहा था, इन दो चीज़ों के अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा था सच में। तो बहुत बहुत बुरी इरिटेशन हो रही थी, खाना खुनी भी कभी बाहर से मंगा ले रहा था, पैसे बर्बाद कर रहा था, ऐसा कुछ था। अब समझ रहे हो ना कि मतलब जैसे बुरा फेस, दिमाग कंट्रोल भी नहीं रहता सब कुछ, मतलब ऐसा था। अब मैं कोशिश करूँगा कि मतलब थोड़ा कम सोऊँ, वैसे ज़्यादा नहीं सोता, बस मैं गलत टाइम पे सोता हूँ, बस ये प्रॉब्लम थी। तो अब देखो आज भी बहुत लेट तक सोया, आज तो छुट्टी थी इस वजह लेट तक सोया। मैं ये भी सोचता कि मैं जल्दी आज उठ भी गया तो मैं क्या ही करूँगा। तो देखो अभी तो 4 बजे रहे, 4-4:30 के आसपास है। अब मैं जाऊँगा वॉलमार्ट से कुछ भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ खाने के लिए लाऊँगा, जिस क्योंकि जैसे मैं रात को कभी जागता हूँ तो बहुत भयंकर क्रेविंग मचती है। अब मैं बाहर से ऑनलाइन फूड मंगाऊँ, उससे अच्छा कुछ छोटा मोटा खाने के लिए जाता हूँ घर में, जिससे थोड़ा मतलब कंट्रोल में रहूँ, ज़्यादा पैसे बर्बाद ना करूँ। थोड़ा हेल्दी वगैरह कुछ लाऊँगा, कैश्यूज़ वगैरह लाऊँगा। जैसे पिछली बार याद है ना मैं इतना बड़ा सा डब्बा लाया था, वो मैंने हफ्ते भर में ख़त्म करते थे, इस बार थोड़ा धीरे खाऊँगा। और नट्स वगैरह का डब्बा था वो, जिसने पहली वीडियोस नहीं देखी उसे नहीं पता होगा। तो अब चलते हैं वॉलमार्ट चलते हैं, और ये देखो बाहर का क्या ही सीन हो रहा। पता है कुछ कुछ लोगों को लगता है इंडिया में कि जैसे उनके वहाँ गर्मी आ गई ना, तो धीरे धीरे हमारे यहाँ भी गर्मी आने लग गई होगी। तो इंडिया में सुन लो, ऐसा कुछ ही नहीं है, यहाँ बर्फ अभी भी पड़ती है, और ये ताज़ा बर्फ पड़ी हुई है देखो, मतलब ऐसी है यहाँ पे। अभी टाइम होगा यहाँ, मतलब अभी टाइम है यहाँ पे बर्फ हटने के लिए, तो उसके लिए। तो अब देखो मैं जल्दी से तैयार होके, मैंने ब्रश वगैरह कुछ नहीं करा, मुँह में कुछ नहीं धुला, मैं जल्दी से तैयार होके वॉलमार्ट के लिए निकलता हूँ। उस वॉलमार्ट में जाने का मन तो नहीं है, बट फिर भी जाऊँगा। वो वॉलमार्ट में मैं हमेशा जाके फंस जाता हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी ना तो जाके देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और ये आई बटन पे भी दे दूंगा। उस वॉलमार्ट में जाने के लिए तो पता नहीं मतलब मनुष ही है मेरे, वॉलमार्ट जब भी जाता हूँ हमेशा बस मिस हो जाती है, बस मतलब गलत बस में चढ़ जाता हूँ, ये होता है। 3 बार गया, 3 बार सेम यही चीज़ हुई। तो देखते हैं, चलिए चलते हैं। तो गाइस ये देखो बाहर आ गया मैं, पता है अभी अपने ना दिल की बात बताऊँ, मैं ना कल एक कोरियन ड्रामा देख रहा था, उसमें ना काफ़ी अच्छे मतलब बीचेस वगैरह मतलब काफ़ी अच्छी जगह जगह दिखा रखी थी, ठीक है। तो मेरा ना इतना ज़्यादा मन कर रहा ना लोगों को बताता हूँ गाइस, पता है मेरा ना इतना ज़्यादा मन कर रहा ना यहाँ घूमने का, बहुत ज़्यादा। अब पता है यहाँ की ना बसेस बहुत लेट कर दी हैं, तो अगर मैं कहीं 1-2 घंटे दूर भी जाऊँ तो वही है, बस रात को ही आऊँगा घर में। अब इसके अलावा मेरे साथ कोई ऐसा घूमने वाला भी नहीं है कि जिसके साथ मैं जाऊँ, अकेले क्या ही मज़े करूँगा मैं, आराम से शांति से बैठ के भी मतलब देखूँगा। यहाँ बीचेस वगैरह हैं,
डैम्स भी हैं, पर डैम की तरफ सुना है मैंने बस नहीं जाती। मैं सोच रहा कार ले लूँ, पर फिर याद आता है मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो सब, फिर अमीर बनेंगे हम भी। अभी पता है मैं वॉलमार्ट नहीं जा रहा, मैं जा रहा फैमिली पॉटेज ऐसे करके कुछ है। हाँ ऐसे कुछ करके कुछ है। जब स्टार्टिंग में आया था तब गया था वहाँ, वहाँ इंडिया का कोई फूड नहीं मिलता, बस वहाँ देख रहा कि कुछ छोटा मोटी चीज़ ऐसे खाने को मिल जाए। आपको भी दिखा देंगे क्या क्या मिलता है वहाँ, वैसे मुझे खुद याद नहीं। अब मुझसे मेरे घर वाले मतलब पूछते हैं कि वहाँ तब थोड़ी थोड़ी गर्मी होने लगी होगी, कहाँ से गर्मी पड़ेगी यहाँ पे, इधर बर्फ इतनी हो रखी है यहाँ पे। अब मतलब पड़ती है बर्फ यहाँ, अभी भी पड़ती है, अभी टाइम लगेगा शायद बर्फ फटने में। देखो यहाँ मेरे लायक कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। सच में कुछ नहीं दिख रहा, ये सब मेरे लायक के मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है यार। क्या ही? मीठी मीठी चीज़ें दिख रही हैं, मतलब मीठा देख के मन खराब हो जाता है कभी कभी। ये सब नहीं चाहिए मुझे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पर मैं बाहर जाने का रास्ता भूल गया। ये भी सही चीज़ है भाई, बकवास जगह है, मेरे लिए कुछ नहीं है। वॉलमार्ट जाऊँ क्या यार? पता है वहाँ जाने में ना ये है, वहाँ मैं बसेस का पंगा रहता है वहाँ। अब हर बार बस अलग अलग साइड से छूटती है, और फिर वहाँ मतलब पता है एक ही नाम के ना वहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉप्स हैं। अब कोई स्टॉप का नाम जैसे ग्लेन वेगर की कुछ भी है, फॉर एग्जांपल ग्लेन वेगर की कोई स्टॉप है, तो फिर वहाँ पे एक साउथ बाउंड का ग्लेन वे होगा, नॉर्थ बाउंड का होगा, ईस्ट बाउंड का होगा, वेस्ट बाउंड का होगा। तो अब उस मतलब पता ही नहीं चलता ना, वहाँ लिखा नहीं रहता है साउथ बाउंड का है वेस्ट बाउंड का, हमें खुद ही देखना पड़ता है। ये है वहाँ से। मन नहीं कर रहा वहाँ जाने का, पर चलो देखता हूँ, चलते हैं। किस्मत मेरी बहुत ख़राब है, अभी जस्ट मेरी आंखों के सामने से बस गई वो। तो भाई साहब ने जैसे मैंने बताया मेरे आंखों के सामने से बस गई, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। क्या करूँ, जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, मैं नहीं जा रहा। फिर मैं घर वापस आ रहा, कुछ खाऊंगा मैं आज, कुछ खाने के लिए मंगाऊंगा फिर अब से बिल्कुल बंद। मैं सोच रहा था पता है कोई कोरियन डिश मंगाता, पर ना यहाँ पे सारी कोरियन डिश मतलब यहाँ सी फूड मिल रहा था, कुछ ना कुछ मतलब मिल ही रखा, तो इस वजह से वो नहीं मंगा सकता। मैं तो ढूंढूंगा कोई, अगर कुछ बढ़िया से मिल गया तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सॉरी मजाक कर, अभी ब्लॉग खत्म नहीं हुआ, अभी मेरा खाना भी आएगा तब दिखाऊंगा। बकवास दिन, बकवास जगह, बकवास किस्मत। मैंने ऑनलाइन फूड मंगाया और अब क्या करूँगा मैं, बस कुछ नहीं करूँगा। अब मैं वही कोरियन ड्रामा ख़त्म करूँगा, उसके बाद कोरियन ड्रामा ख़त्म होने के बाद जब पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर अब मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दूँगा। मैं देखो मतलब अभी तो फिर सो नहीं पाता, पर अब जैसे मैंने कोरियन ड्रामा एक स्टार्ट कर रखा तो अब उसे ख़त्म करूँगा, फिर उसके बाद मतलब टाइम से सोया करूँगा। और ऐसे ही मेरा दिमाग ख़राब हो रखा। हाँ गिर जाती पटली, गिर गई थी। चलो अब दिखाता हूँ मतलब कि क्या क्या आएगा उसमें। मैंने अलग अलग चीज़ें मतलब एक दो चीज़ें मंगा रखी हैं अलग सी। पर एक बार एक बात और बताऊँगा, इस लोग बोलते हैं कि मैकबुक वगैरह एप्पल वगैरह की बैटरी ज़्यादा टाइम नहीं चलती, इसकी इतनी अच्छी बैटरी है ना, मतलब आप इसको पूरी रात बैठ के भी इसमें कुछ देखोगे ना, मतलब एक बार फुल चार्ज कर दो पूरी रात बैठ के देखो, मतलब बहुत आराम से निकाल देगा ये, बहुत आराम से। मतलब मैं इसकी बैटरी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब सच में बहुत अच्छी बैटरी है इसकी। जी देखो मेरा ऑर्डर आ चुका है, अभी दिखाते हैं इसमें क्या है। और ये तो पता ही होगा आपको, नॉर्मल मेरी मैंगो लस्सी है। दिखाता हूँ खोल के, रुको। मुझे तो ऐसा लग रहा है इन लोगों ने मेरे आधे राइस निकाल लिए, इतने राइस मिले मुझे। ये देखो इतना पूरा खाली छोड़ रखा इन लोगों ने। वैसे सही है, इन्होंने सही किया कि मतलब इतने खाए भी नहीं जाते मुझसे इनके वाले। तो देखो गाइस गेस करो क्या है ये। चलो समझ गए, मंचूरियन है। पता है मंचूरियन के साथ वो राइस मिलते हैं, स्टीम राइस मिलते हैं, पर इन्होंने नॉर्मल वैसे वाले दे रखे। और उसमें नॉर्मल जो मैं हर बार दिखाता हूँ पापड़ी चाट है, पापड़ी चाट मंचूरियन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी दे रखी। मैंने हल्का सा इसमें खा के देखा तो थोड़ा कम हो गया, वरना काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी दे रखी, राइस कम दिए थे बस। चलो कोई नहीं, गाइस यहाँ पे जो भी बोलो, यहाँ क्वान्टिटी के मामले में कभी मतलब कंजूसी नहीं करते, जो भी देते भर भर के देते हैं। कि मतलब
अब लगा लो कितने से मैं आपका पेट भर जाएगा, अगर आप मतलब भूख मतलब ठीक ठाक लगी है तो, अगर बहुत भूख लग गई तो शायद ना भरे, पर मतलब इतने से मैं पेट मतलब अच्छा खासा भर जाएगा, सेटिस्फाई हो जाओगे आप पूरा। अभी तक तो मैंने पापड़ी ज़्यादा छुई भी नहीं और मैंगो शेक बहुत थोड़ा सा ही पिया, मेरा पेट भर गया इससे। सो मैं बोर हो गया और कुछ नहीं कर रहा था मैं ऐसे थोड़ा बहुत वो देखने के बाद, अब थोड़ा मतलब देख रहा था मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टॉक मार्केट वगैरह के बारे में देख रहा था। काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट नहीं करा, इंडिया में था तो इन्वेस्ट करता था, अब मेरे पे इंडिया वाला फ़ोन नंबर नहीं है तो मैं वापस उसमें लॉगिन नहीं कर पा रहा मतलब उस अकाउंट में। तो अब मैं सोच रहा था यहाँ पे अकाउंट वकाउंट खोल लूँ, वही थोड़ा बहुत देख रहा था। अभी तो देखता हूँ, अभी टाइम लगता है अकाउंट वगैरह खुलने में भी और थोड़ा मतलब पैसे वगैरह ट्रांसफ़र होने में, वही सब देख रहा था। और सब पता है यहाँ पे मुझे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जैसे मैं मुझे कोई ऐप डाउनलोड मारना हो ना तो वो ऐप मुझसे मतलब यहाँ पे अगर इंडिया में जैसे आधे से ज़्यादा तो बैन ही कर रखे, मैंने इतने सारे ऐप सर्च मारे मिलते ही नहीं यहाँ कोई, तो बैन हो रखे काफ़ी सारे, शायद बैन हो रखे पता नहीं क्या ही है। तो मैंने अब आज जाके अपनी मतलब लोकेशन चेंज करी एप्पल आईडी की, तो मतलब मुझसे हो नहीं रही थी, फिर मैंने ऐसे ही तब भी थोड़ा सर्च वगैरह करा तब जाके हुई, अब चेंज हुई तो अब ऐप्स वगैरह मिल रहे हैं तो अब चीज़ें सही हो रही हैं थोड़ी थोड़ी। और मेरा तो पेट भर रखा मतलब बहुत बढ़िया तरीके से, वही मंचूरियन वगैरह खा के, और वो अभी भी वहाँ बच रखा थोड़ा सा वो मैंगो लस्सी और पापड़ी चाट तो पूरी बच रखी, वो रात के लिए होगा। पता है जैसे सौगी हो जाती है ना पापड़ी चाट, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे, अब काफ़ी लोगों को अच्छी नहीं लगती है, पर जैसे वो थोड़ा मिक्स हो जाता है थोड़ा मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है ना सब कुछ, वो मेरे को पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, काफ़ी लोगों को गंदा सा लगता होगा फिर मेरे को अच्छा लगता है। तो गाइस अब मैं ब्लॉग ना यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ इंस्टाग्राम की रील्स और वीडियोस बनाने। मैं इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा एक्टिव था बीच में, मतलब तीन चार दिन मतलब नहीं डाला मैंने, वरना एक्टिव था ठीक ठाक एक्टिव था, हर दिन दो रील्स आ रहा था भयंकर भयंकर। अब वो कैनेडा से रिलेटेड नहीं होती, वो नॉर्मली ऐसी होती है। अगर आपको मतलब आप जाके एक बार यहाँ पे चेक कर लेना मेरा इंस्टाग्राम आईडी, अगर आपको अच्छी लगेगी तो ज़रूर फॉलो मारना ठीक है। और मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा कि आप अपनी कंट्री की लोकेशन मतलब कैसे चेंज कर सकते हो, मतलब सॉरी एप्पल आईडी की लोकेशन कैसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि मेरे को मैं भी सर्च करता गूगल वगैरह पे यूट्यूब वगैरह पे, इतना जल्दी नहीं मिला मुझे, मिला पर जल्दी नहीं मिला, तो मैं भी सोचता एक वीडियो बना दूँ, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।